ओके हेलो सो सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में सो दिस सेशन ऑल अबाउट देखो इसमें कैसा है कि वन थिंग विच इज रियली रिक्वायर्ड इज सपोज प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारे अनकेडमी के आपको बढ़िया बढ़िया पढ़ाई के लिए सब्लेट से बहुत ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं राइट फ्रॉम योर लर्निंग प्रैक्टिस ऑफ क्वेज डाउट सॉल्विंग सब कुछ एक ही जगह पे आपको मिल जाता है सो एन अकेडमी इज बिग प्लेटफॉर्म एंड इट ऑफर्स रेंज ऑफ लेट्स एजुकेशनल सर्विसेज एंड इन चीज़ों का जरूर फायदा उठाएं और आपका जो करियर है आपका जो सेट करियर है उसके लिए हमारे पास डेफिनेटली uh, जो कैटेगरीज हैं अवेलेबल है आप चाहे जेई करो आप शायद यू करो आप शायद एम करो आप नीट करो कोई भी एग्जाम आपको अगर देनी है तो अनकेडमी के ऊपर उसका प्रिपरेशन सब कुछ अवेलेबल है सो so आपके टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए या फिर कोई पढ़ाई के प्रिपरेशन के लिए अकेडमिक रिलेटेड आप अनकेडमी का फायदा जरूर उठाएं एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें और उसमें के जो कोर्सेस हैं प्लीज जरूर सबलेट से उसमें एनरोल करें ताकि आपका जो पढ़ाई है आपका जो करियर है वो सेट हो सके ठीक है चलिए नाउ विद दैट पॉइंट इन माइंड लेट अस स्टार्ट विद आवर लेट्स से ऑफ द टॉपिक ऑफ़ द डे एंड हम लोग अभी शुरू करेंगे हमारा आज का वीडियो ओके सो मेरा नाम अजिंक्य सोड़ुंग है माय नेम इज अजिंक्य सोड़ुके एंड जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ वो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स हिस्ट्री जोग्रफी पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एजुकेटर तो काफी ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मैं ठीक है लेकिन लेट अस फॉरगेट अबाउट दैट जस्ट रिमेम्बर माई नेम दैट इज माई नेम इज अजिंक्य एंड लेट अस स्टार्ट विद आवर टॉपिक तो इंट्रोडक्शन अगर हमारा खत्म हो गया हो सो लेट अस स्टार्ट विद आवर टॉपिक ठीक है चलिए गो विद टॉपिक विदिक तो देखो अपना ये लेसन ऑलरेडी कंप्लीटेड है ऑल वी आर डूइंग इज इज राइट नाउ और मतलब एग्जाम के हिसाब से होना चाहिए तो सबसे पहला इस लेसन के अंदर क्या क्या करना है आपको मैं उसकी लिस्ट बता दू देखो मेन चीज डेफिनेशन तो आपको हर चीज की पता ही होनी चाहिए ठीक है तो डेफिनेशन ऑब्वियसली हर एक टॉपिक uh, जो भी आपका ये वॉलेट कलर में लिखा हुआ है ना टाइटल ये 12.1 इलेक्ट्रिक सा करंट फिर होना चाहिए स्टैंडर्ड डेफिनेशन हर एक नोन से कर लेना इज अबाउट डेरिवेशन आपका होना ही चाहिए ठीक से एंड डेरिवेशन के अंदर किस चीज के ऊपर फोकस करना है आपको द फर्स्ट थिंग फर्स्ट थिंग यू नीड टू फोकस ऑन इज ऑब्वियसली सीरीज सर्किट सीरीज के ऊपर पैरल के ऊपर उनका डेरिवेशन कैसा है द थर्ड थिंग यू नीड टू फोकस ऑन एस फॉर्मुले फॉर्मूले के डेरिवेशन भी एग्जाम में आते हैं पर्टिकुलरली अबाउट पावर एंड हीट मतलब ये तो ठीक है चलो uh, आपको ज्यादा कुछ परेशान नहीं करेंगे करंट के और पोटेंशियल डिफरेंस के बट दे विल डेफिनेटली कैन आस्क यू हीट के और पावर के डेरिवेश uh, और इसमें एक लास्ट वाला इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कौन सा है वो कन्वर्जन ऑफ वन के डब्ल्यू एच टू जूस और जूल में कैसा कन्वर्जन है उसका इतने सारे डेरिवेशन आपको पता ही होनी चाहिए सीरीज पैरल हीट पावर एंड किलोवाट जूल वगैरह द नेक्स्ट थिंग यू टू फोकस इन दिस टॉपिक इज अपार्ट फ्रॉम दिस न्यूमेरिकल ऑब्वियसली तो उसका मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ न्यूमेरिकल तो ऑब्वियसली फिजिक्स है न्यूमेरिकल तो करना ही करना है नौ अपार्ट फ्रॉम दिस वॉट वी नीड टू रिमेम्बर डेरिवेशन न्यूमेरिकल्स अनदर थिंग दैट कैन बी आज टू यू एस लेट्स ए डिसएडवांटेज टे ज्यादा पूछी जाएगी एंड दैट इज अबाउट दिम्बल्स आपको इसमें सिंबल्स याद होने चाहिए हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे कि कौन सा सिम्बल ज्यादा पूछा जा सकता है आपको वो भी दैटसिंग नौ we'll uh, इसके बाद आता है एप्लीकेशन अब एप्लीकेशन में दो है अपने पास प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कौन से कौन से एक बल्ब है बल्ब और दूसरा कौन सा फ्यूज uh, तो ये दो चीजें एप्लीकेशन के अंदर आ जाती है अगर आपका इतना इज डन अगर आपका ये इतना हुए वाला है बाकी का फिर कैसा है तुमने ऊपर ऊपर नीचे नीचे किया तो भी चलेगा इट्स फाइन बट डेफिनेशंस डेरिवेशन सिंबल्स बल्ब फ्यूज इसके बारे में अगर आपको बेसिक पूरी इंफॉर्मेशन है तो देन दिस लेसन के मार्क्स आपको आउट ऑफ जरूर मिलेंगे कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा सबसे पहला डेफिनेशन देखते इलेक्ट्रिक करंट का ऑब्वियसली नाउ इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन क्या है इज नी लेट से रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज तो वो एक आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन क्या है रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इलेक्ट्रिक करंट बुक में ही है रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड वट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट दट इज ऑल्सो देर अंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ सी सी तो ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन से आपको ध्यान में रखना है इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब क्लोज एंड पाथ फॉर इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो एंड वॉट इज करंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस दैट आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी ये पॉइंट क्लियर करा लो डायरेक्शन किधर किसका क्या रहता सो लेट मी टेल यू अबाउट द डायरेक्शन डिरेक्शन आपको दो चीजों का पूछा जाएगा एग्जाम में एक डायरेक्शन होगा ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन और दूसरा जो तुमको डायरेक्शन पूछा जाएगा वो किसका होगा इलेक्ट्रॉन्स uh, का सो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या रहता है पॉजिटिव टू नेगेटिव कैसा रहता है इसका पॉजिटिव टू नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन्स का कैसे रहता है नेगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या है पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन क्या है नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड इसको और एक कैसा लिख सकते हैं हम लोग

डेरिवेशन के बारे में नाउ अनदर थिंग विच यू नीड टू कुलम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं हालांकि याद किया है that is, Q is equal to वहां पे Q चार्ज रहता है, e और N is number of electrons. लेकिन आ, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए कि एक कुलम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं तो कितने रहते हैं सिक्स पॉइंट टू फाइव इंटू इलेक्ट्रॉन्स इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं कितने एक कुलम के अंदर उसके बाद आपको पता होना चाहिए स्मॉल स्मॉल यूनिट्स उसमें का सबसे पहला यूनिट कौन सा है मिली एम्पियर मिली एम्पियर एक पता होना चाहिए आपको और एक माइक्रो एम्पियर मिली माइक्रो बेसिकली माइक्रो मतलब कौन रहता है मिली इज नथिंग बट टू दी पावर माइनस थ्री एम मतलब मिली और माइक्रो मतलब ये यू जैसा सिंबल उसका मतलब होता है टेन टू दावर माइनस सिक्स तो ये दो आपको पता होने चाहिए वन मिली एम्पियर है अगर ये इतना पता है देन देन इट्स मोर गुड सिंपल आप इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज करते हैं एमीटर तो उसके बारे में सब को से और एमीटर की क्या प्रॉपर्टीज है एमीटर की खाली दो ही प्रॉपर्टीज है कौन सा एमीटर का पहला प्रॉपर्टी क्या है इट शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज मेन उसका रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए राइट इट डाउन द चैट सेक्शन कि रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए आपके एमीटर का शुड बी हाई शुड बी लो क्या लगता है

वो इलेक्ट्रॉन का स्पीड होता है लेकिन कहां पर इन कंडक्टर, मतलब कंडक्टर के अंदर जैसे वो घूमते तो तो उसके अंदर का का, जो भी स्पीड है इलेक्ट्रॉन कॉल्ड चलिए अभी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस राइट इसके अंदर दोनों में से uh, दीज आर नथिंग बट द वर्क डन टू मूव अ चार्ज आपने को यह पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस में वी डू द वर्क टू मूव अ चार्ज फ्रॉम डन किसके अंदर one point to another है? One point to another. और किसके अंदर इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट ये इन्फिनिटी वाला आप बोलो इन्फिनिटी वाला कौन है वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एग्जैक्टली एग्जैक्टली ये ईपी है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और ये कौन है दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस पीडी है इसको और एक कुछ वर्ड है क्या अपार्ट फ्रॉम दिस तो द वर्ड इज इलेक्ट्रिक प्रेशर इलेक्ट्रिक प्रेशर इज वन ऑफ दी अस से अनदर वर्ड विच यू कैन यूज फॉर दिस नाउ इसके लिए यूनिट क्या है वोल्ट एंड uh, इसका अस से जो डिवाइस है वो क्या बोलते हैं वोल्ट मीटर अब वोल्ट मीटर की प्रॉपर्टीज बताओ इट इज कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल वोल्ट मीटर वोल्ट मीटर को कैसे लगाते हैं सीरीज पैरेलल पैरल ओके okay. और रेजिस्टेंस कैसा रहता है इसका हाई लो रेजिस्टेंस हाई या फिर लो रेजिस्टेंस इज प्रटी हाई रेजिस्टेंस इज प्रटी हाई ओके फाइन अभी सर्किट डायग्राम देखते हैं अब सर्किट डायग्राम के अंदर सर्किट डायग्राम को और एक वर्ड क्या है स्कीमेटिक डायग्राम इसको अंडरलाइन करो एक वन लाइनर क्वेश्चन आ सकता है आपको सर्किट डायग्राम को और एक वर्ड क्या रहता है मतलब हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड तो इसका नाम और एक क्या है स्किमैटिक डायग्राम तो स्किमैटिक डायग्राम को ये अंडरलाइन कर लो अब ये जो सिंबल की जो लिस्ट है आपकी बुक में इसमें से सबसे ज्यादा कौन से पूछेंगे देखो इलेक्ट्रिकल का तो बहुत ही आसान है एक एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन बड़ी लाइन छोटी लाइन बस दैट्स इट

मतलब स्विच आपका ऑन है तो उसको क्लोज बोलते हैं एंड जो ओपन रहता है तो उसका मतलब कंडीशन कैसा है आपका स्विच कैसा है ऑफ है अगर ऑन कंडीशन है आपकी स्विच की तो कैसा सिंबल बताना है ब्रैकेट एंड उसके अंदर डॉट ब्रैकेट अगर उसके अंदर डॉट नहीं है तो फिर क्या बोलेंगे उसको ओपन स्विच उसको ओपन स्विच बोला जाता है तो ये दो थोड़े ज्यादा करने तीसरा और चौथा हाँ वायर ज्वाइंट एंड वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग ये पूछते हैं पर्टिकुलरली वायर ज्वाइंट है तो वायर ज्वाइनिंग विदाउट क्रॉसिंग अगर ज्वाइंट है तो बस एक गोल बता दो अगर क्रॉस करके करना है तो एरो करके बता दो मतलब यू नो यू जस्ट हैव टू जंप एंड तुम ऐसा भी कर सकते हो ये सीधी लाइन और फिर ये ऐसा मतलब इट इज नॉट नेसेसरी कि ऊपर से ही बताना है आपके ऊपर आप उसको कैसे बता रहे हो सो दिस इज वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग बल्ब का तो बहुत ही सिंपल है एम की जैसा निकाल लो उसको या फिर हार्ट की जैसे वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट एंड रजिस्टर वो तो काफी सिंपल है अब इसमें एक बच्चे क्या कंफ्यूज होते हैं बिटवीन वेरिएबल रेजिस्टेंस एंड रियो अब एक चीज आपको ध्यान में रखना है रेजिस्टर का सिंबल हम लोग कई के, के लिए भी यूज कर सकते हैं वी कैन यूज इट फॉर टीवी समटाइम्स एग्जाम के अंदर कैसा होता है ना आपको डिवाइस देते हैं जैसे कि वॉशिंग मशीन हो गया या फिर पीसी हो गया कंप्यूटर हो गया और फिर आपको क्या बोलते हैं उसका सिंबॉल निकालो कंप्यूटर का फिर ये बट आपको पता है कि डिवाइस कोई भी रहने दो वी कैन यूज दीज सिंबल दिस सिंबल रेजिस्टेंस का सिंबल फॉर एनी ऑफ द डिवाइस तो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा अब मेन कंफ्यूजन होता है, variable resistance और में. Arrow अगर है तो वेरिएटैट जो वेरिएटेंस है उसका एक सेपरेट सिंबल है उसको कैसे निकालते एंड अगर सिर्फ ऊपर उसके एरो मतलब लाइक नॉट लाइक दिस फ्रॉम द टॉप ऐसा साइड वेज है तो ऑब्लिक मतलब like, like है तो दैट इज फॉर वेरिएबल रेजिस्टेंस रियोस्टेट के लिए ऊपर से आता है डायरेक्टली एमीटर वोल्ट मीटर वो तो काफी आसान है जस्ट नाम लिख दो, दो उसको कुछ है ही नहीं उसके अंदर वोल्ट मीटर के लिए भी के लिए ए तो वो तो काफी सिंपल। सो इसमें से जो टफ है वो है थर्ड एंड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स एंड एट्थ एंड नाइन्थ ये इतने करके जाओ ठीक से एट नाइन्थ फाइव सिक्स थ्री फोर पेयर्स में करो कंफ्यूजन नहीं होगा ठीक है मतलब लाइटली मत लो इसको बच्चे बहुत इसमें गलती करते हैं ओके सो लेट अस टॉक अबाउट एमीटर फर्स्ट एमीटर के प्रॉपर्टीज क्या हैं दैट इट इज कनेक्टेड इन सीरीज एंड इट हैज लो रेजिस्टेंस ओके तो व्हाई इट इज कनेक्टेड इन सीरीज पहले वो डिस्कस करता है

तो आपको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा सीरीज का पैरल तो तो में लगाने के बाद क्या होगा तो पैरल में लगाने के बाद क्या होगा उसका लो रेजिस्टेंस रहता किसका डिवाइस का अगर आप पैरल में लगाते हो तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन वोल करंट किसमें से पास होगा पूरा करंट वोल करंट विल पास थ्रू एमिटर पूरा करंट एमीटर में से जाएगा और अपना डिवाइस शुरू ही नहीं होगा आप यह बोल दो कि पूरा करंट एमीटर में से जाएगा आपका डिवाइस शुरू नहीं होगा हो गया पहला एंड सपोज अस से आपका अगर ये लो रेजिस्टेंस का अगर बताना है आपको तो मान लो उसका हाई रेजिस्टेंस है ऐसा बताओ इफ इट इज हाई रेजिस्टेंस तो उसमें से पास ही नहीं होगा हाई रेजिस्टेंस अगर वैल्यू है तो एज यू नो करंट को ऐसी जगह से जाने का ये रहता है मतलब लाइक वांट्स टू गो थ्रू दैट सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस कम हो अगर एमिटर का रेजिस्टेंस हाई हो गया तो उसमें से करंट पास ही नहीं होगा करंट विल नॉट पास अगर करंट पास ही नहीं हुआ ठीक है करंट विल नॉट पास अगर करंट पास ही नहीं हुआ आपके इसमें से सर्किट में से फिर एमिटर गिनेगा क्या अगर एमीटर में से करंट पास ही नहीं हुआ हाई रेजिस्टेंस की वजह से तो, तो वो गिनेगा क्या हो सो इन दिस वे यू हैव टू एक्सप्लेन कि बाबा इट विल नॉट मेजर करंट ही पास नहीं हो रहा तो मेजर क्या करेगा हो? इस तरह से एक्सप्लेन करो एंड सेम गोज फॉर योर वोल्ट मीटर वोल्ट मीटर को भी सेम लॉजिक बताओ कि क्यों सीरीज में और किस में पैरल में क्यों लगाते हैं सेम लॉजिक मेन पॉइंट अबाउट लॉ इज कि ओम्स लॉ के अंदर तुमको क्या पूछेंगे अब इसके अंदर टाइप बहुत है एक तो तुमको स्टेटमेंट पूछा जाएगा उसका प्रूफ वगैरह डेरिवेशन द थिंग दे कैन आस्क इज न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल अगर numerical आया तो फिर थे, थे कुछ पूछेंगे नहीं तुमको दे माइट गिव यू अ ग्राफ एंड ग्राफ के ऊपर से दे कैन आस्क यू ग्राफ के ऊपर के कुछ न्यूमेरिकल्स हमने किए हैं तो यू हैव अ अर्टन आइडिया हाउ टू सॉल्व इट तो दो तीन में से कोई भी आपको एक पर्टिकुलर एक चीज आएगी ओम्स के हिसाब से बट द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन इज उसका उसका स्टेटमेंट एंड उसका सपोज से मैथमेटिकल इक्वेशन तो कुछ नहीं जैसे आपके बुक में वैसा ये जस्ट रट्टा मार लो पोटेंशियल डिफरेंस वी अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ गिवन मेटलिक वायर इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट मतलब वी इज प्रोपोर्शनल टू टू आई एंड दैट व्हेन द टेंपरेचर सेम ये लास्ट वाली लाइन भूलनी नहीं है बच्चे ठीक से डेफिनेशन करते नहीं है ये चीज और ये लास्ट वाला तो लिखते ही नहीं है बहुत सारे बच्चे तो खाली इतना ही लिखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट बस दैट्स एट कुछ आगे पीछे नहीं टेम्परेचर नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं तो ये ऐसा बुक के जैसा लिखना है आपको फॉर टोटल लेट्स आउट ऑफ मार्क्स जो आपको एक्सपेक्टेड है एंड uh, मुझे पता है है जितना मैंने तुमको सिखाया दैट यू वांट आउट ऑफ मार्क्स और आउट ऑफ मार्क्स के लिए ये करना पड़ता है आपके आपके परफेक्शन आपके स्टेटमेंट्स में होना चाहिए सो दिस इज हाउ यू कैन मेक द परफेक्शन ये स्टेटमेंट पूरा याद करना है प्रैक्टिस इट थ्री फोर टाइम्स ऑन वाइट पेज याद हो जाएगा आपको अब बात करते हैं रिगार्डिंग सपोलेट से वगैरह वगैरह तो तो ये है, this is your formula ये है दिस इज इज योर ऑलरेडी यू नो एंड एंड द कॉल्ड एज रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस के अंदर इज वन पर्टिकुलर डिवाइस दो टाइप्स होते हैं करंट के अंदर और रेजिस्टेंस के अंदर रिलेशन क्या है ये आपको पता होना चाहिए तो करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस जितना बढ़ता है उतना करंट कम होता है एंड एग्जाम uh, के अंदर आपको ये पूछेंगे वट इज कॉल्ड एज वेरिएबल रेजिस्टेंस तो वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है इट्स अ डिवाइस जिसके अंदर का रेजिस्टेंस आप क्या कर सकते हो चेंज कर सकते हो कंपोनेंट कम्पोन टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स मतलब आपको एग्जाम में ये पूछेंगे वेरिएबल रेजिस्टेंस का फायदा क्या है मतलब अपार्ट फ्रॉम डेफिनेशन दे कैन आस्क यू उसका फायदा क्या है वेरिएबल रेजिस्टेंस तो मेन फायदा क्या है बिना वोल्टेज को चेंज करे आप करंट को चेंज कर सकते हो मतलब क्या बोलना है आपको वी को कुछ नहीं रखना है वी हैज टू बी कॉन्स्टेंट वोल्टेज को कांस्टेंट रखो लेकिन फिर भी तुम किसको चेंज कर रहे हो करंट को चेंज कर रहे हो करंट इज वेरिएबल करंट को वेरी कर रहे हो विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज क्योंकि देखो ओम लॉ के हिसाब से करंट को अगर चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा वोल्टेज को चेंज करना पड़ेगा राइट ओम लॉ के हिसाब से बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट वेरिएबल रेजिस्टेंस तो आपको वोल्टेज को चेंज करने की जरूरत नहीं है आप आर को चेंज कर लो आई चेंज हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट है अब इसका डिवाइस कौन सा है आपने इसमें कॉमन रियोस्टैट रियोस्टैट इज द मोस्ट कॉमन डिवाइस एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस का एग्जाम्पल दो इट्स रियो स्टैट और कौन सा एग्जाम्पल है पोटेंशियोमीटर पोटेंशियोमीटर इज ऑल्सो द वन ये कहाँ रहता है ये टॉयज में रहता है रियोस्टैट किधर यूज करते हैं लैब के अंदर और पोटेंशियोमीटर ये जनरली कोई भी छोटे डिवाइसेस में रहता है टॉयज में या फिर मिक्सर जैसे ऐसे डिवाइसेस की जो आ, फैन बेस्ड नॉब पे चलता है तो so, वैसे उस टाइप में नाउ अबाउट द डिफरेंट रेजिस्टेंसिस ये एक्टिविटी ये तो बकवास एक्टिविटी है मतलब उसके अंदर खाली ये बताना है कि डिवाइस अगर रखते हैं तो करंट uh, के फ्लो में कुछ फर्क आता है क्या हाँ, तो ऑब्वियसली फर्क आता है क्योंकि हर एक का रेजिस्टेंस अलग-अलग है सो नॉट टॉकिंग अबाउट दिस ओके अभी uh, आगे जाने के पहले आई होप यू नो रेंज क्या होता प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो मैंने तुमको बताया था रेंज होता क्या है तो रेंज इज बेसिकली वॉट मतलब वो डिवाइस कहां से कहाँ गिन सकता है। जैसे कि किसी uh, 0 5 है। मतलब वो मिनिमम uh, से आपके ऊपर है एग्जाम जनरली पूछा नहीं अभी तक सो इफ यू वॉन्ट टू गो फॉर इट यू कैन बट आज तक पूछा नहीं है ये ये वाली चीज ये कंपेरिजन वाइज है ना एंड दीज आर वेरी रिलेटिव गुड कंडक्टर रेजिस्टर पुअर कंडक्टर इंसुलेटर दीज आर टर्म्स तो एग्जाम आज तक बहुत सारे क्वेश्चन आए नहीं है बट इफ यू टू गो फॉर रीड नहीं तो जस्ट छोड़ दो अंदर रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ले रेजिस्टेंस इज इनिवर्सलीपोर्शनल टू एरिया और दोनों को कम्बाइन करना है दैट इज आर प्रपोर्शनल टू लेंथ बाय एरिया और आर इज इक्वल टू रो एल बायर एल वॉट रो इज रेजिस्टिविटी रो क्या है या फिर क्या समानता है तो आपको क्या बोलना है रेजिस्टेंस इज ऑबस्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड आपका रेजिस्टिविटी रेजिस्टिविटी इज ऑल्सो रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी इज ऑल्सो रेजिस्टेंस बट बट किसके लिए बट फॉर यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया अगर आप ऐसा डेफिनेशन लिखते हो फिर वो काम करेगा डेफिनेटली यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया नौ आगे बढ़ने के पहले दिस वन ये रेंजेस आपको ध्यान में रखने दीज रेंजेस आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं मेटल का रेंज क्या होता है एलोय uh, का क्या होता है एंड इंसुलेटर का क्या होता है तो मेटल मतलब कंडक्टर का कितना होता है टू दावर माइनस एट मेटल्स रेंज टू एट का uh, आपके जो ये हैं क्या बोलते हैं एलॉय Alloy का रेंज होता है टेन टू दावर माइनस सिक्स ये ओहम मीटर है रेजिस्टिविटी का रेंज और जो आपके तीसरा है कौन इंसुलेटर इंसुलेटर का काफी बड़ा वैल्यू रहता है और वो कितना है टेन टू दावर ट्वेल्व टू सेवेंटी तो ये चीज ध्यान में रखना है ये नंबर माइनस एट टेन टू दी पॉवर माइनस सिक्स एंड टेन टू दॉर ट्वेल्व टू सेवनटीन अब इसके अंदर ये टेबल आपको याद करने की जरूरत नहीं है दैट इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ऊपर से के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन चाहिए तुमको एलोय किससे बनते हैं मेटल जनरली आर क्रिएटेड फ्रॉम मेटल्स लेकिन दे डू नॉट ऑक्सीडाइज एट हाई टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीडाइज नहीं होते तो इसके लिए उसको कहां पे यूज करते हैं हीटिंग डिवाइसेस में या फिर इलेक्ट्रिक आयन में या फिर टोस्टर में मतलब दीज आर दिंग्स जिसके अंदर हम लोग इस चीज का इस्तेमाल करते हैं अभी एक तो आपको ऑलरेडी पता है टंगस्टन टंगस्टन का यूज यू ऑलरेडी नो इलेक्ट्रिक बल्ब लेकिन ये चीजों को अंडरलाइन करो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि ऐसे कौन से दो मेटल्स हैं कि जो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस में यूज करते हैं और उसका नाम क्या है कॉपर और दूसरा एल्यूमिनियम ये कौन है ये वो मेटल्स हैं कि जो किसके लिए यूज करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाने के लिए मतलब वायर इससे बनता है आपका जो मेटल का वायर है इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए किससे बनता है कॉपर या फिर एल्यूमिनियम से बस इतना ही बताना है आपको बाकी ये तो बस क्वेश्चन है दीज सो प्लस के और आइकॉनिक के रेट्स कैसे हैं मी जस्ट टेल यू देखो Uh, हमारे पास uh, दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है अगर आप क्लास नाइन्थ के लिए है तो क्लास नाइन्थ के सब्सक्रिप्शन ये रहे ठीक है One minute. अगर आप क्लास नाइन्थ में से है तो क्लास नाइन्थ के लिए ये दो सब्सक्रिप्शन है अगर आप क्लास अगर आप क्लास टेंथ के लिए है तो ये दो सब्सक्रिप्शन है देखो दिस इज फॉर प्लस प्लस का सब्सक्रिप्शन का रेट है और ये आइकॉनिक का रेट है ये प्लस का है ये साइड और ये आइकॉनिक का है मतलब हमने मैंने यहाँ पे कैसे किया है कि क्लास नाइन का प्लस के रेट्स क्लास नाइनिक के आइकॉनिक रेट्स के क्लास टेंथ के प्लस के रेट्स एंड क्लास टेंथ के आइकॉनिक के रेट ऐसे अलग अलग मैंने उसको कैटेगराइज किया अभी देखो इसमें का जो रेट सिस्टम है इट समथिंग लाइक दिस अब जितना बड़ा लोगे वैसे जितने ज्यादा महीनों का आप सब्सक्रिप्शन लोगे उतना आपको सस्ता मिलेगा जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे तेरह महीने का कितना आ रहा है सपोलेट से छह महीने का आपको दस हजार पड़ रहा है राइट बारह महीने का देख लो कितना आ रहा है पंद्रह हजार अगर आप छह महीने के हिसाब से दो बार लेते तो कितना होता दस प्लस दस बीस हजार तो बारह महीने का बीस हजार हो जाता लेकिन बारह महीने का एक आप डायरेक्टली लेते हैं तो कितना गिर रहा है पंद्रह तो देखो आप जितना आप बड़ा लोगे उतना अच्छा जैसे कि मान लो आप मेरे हिसाब से तो भी क्लास नाइन्थ क्लास टेंथ एलेवें चारों साल का एक साथ ले लो बहुत इजीली आपको लेकिन सस्ते में पड़ जाएगा दैट इज फोर्टी एट मंथ तो 48 मंथ्स का डायरेक्टली ले लो तो दैट इज गोइंग टू कॉस्ट यू 40000 ठीक है 40000 आपको पड़ जाएगा लेट से द रेट अह इफ यू अप्लाई फॉर 48 मंथ्स uh, वैसे ही आइकॉनिक अगर आप 48 मंथ्स का लेना चाहते हो तो 48 मंथ्स के लिए आइकॉनिक का रेट कितना है 83000 अब 83000 इतना ज्यादा क्यों है प्लस के कंपैरिजन में क्योंकि इसके फीचर्स वैसे है ना आपको एक पर्सनल एक टीचर है कि जो आपके ऊपर ध्यान रख रहा है इंडिविजुअल uh, सपोर्ट है थ्री डिग्री सपोर्ट है सो बिकॉज ऑफ दैट इसका जो रेट है प्लस से थोड़ा सा डबल है एंड थोड़ी अमाउंट ज्यादा है तो डिपेंडिंग ऑन योर इकोनॉमिक कैपेसिटी इधर यू कैन गो फॉर 48 मंथ्स ऑफ 40,000 या फिर मंथ्स ऑफ 83,000 आप दोनों में से एक प्लान के लिए जाओ क्योंकि जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए क्योंकि उतना सस्ता पड़ता है ना बार बार उतना खर्चा करने में क्या मतलब है सो आई थिंक यू शुड गो फॉर इधर फोर्टी एट मंथ प्लस और इधर फोर्टीट मंथ आइकॉनिक तो फोर्टी थाउजेंड या फिर एटी थाउजेंड अगर आप क्लास टेंथ के स्टूडेंट है तो आप एक काम कर सकते हैं आप छत्तीस महीने का ले सकते हैं छत्तीस मतलब तीन साल हो जाते हैं दैट इज महीने का जो प्लस का रेट है दैट इज थर्टी कितना है 32,000. 32,000. 66,000. 36 महीने का दसवीं का जो सब्सक्रिप्शन है वो कितना जा रहा है that is 32, And अगर 36 महीने की अगर आप आइकॉनिक की बात कर रहे हैं तो दैट इज 66,000. थाउजेंड सो दोनों में से एक सबसे प्लान के लिए जरूर अपलाई करो क्योंकि कैसा है कि आप जितना बड़ा लोगे लोग क्या, है? है। so क्या करना पड़ता है ये आपको कोड इस्तेमाल करना पड़ता है अब कौन सा कोड तो आप कोड का आप ये कोड ध्यान में रखना दैट इज एस लाइफ टेन अजिंक्य सोड़ों के एल आई वीई वन जीरो अब ये कोड पे लिखना है आपको देखो आप सबसे पहले ऊपर टैप करोगे कि भाई आपको प्लस चाहिए क्या आइकॉनिक चाहिए राइट मान लो आपने आइकॉनिक ले लिया ठीक है आइकॉनिक ले लिया और फोर्टी एट मंथ ले रहे हो तो फोर्टी क्या करना है आइकॉनिक लेना है? नीचे पेमेंट का बटन होगा यहाँ पर तो ये पेमेंट का बटन पे क्लिक नहीं करना उसके लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक कोड पूछा जाएगा ठीक है मतलब डू हैव अ कोड वगैरह पूछा आपको इसको टैप करना है सबसे पहले आइकॉनिक को कर लिया दैट इज फर्स्ट स्टेप ले सकते हैं जैसे कोड अप्लाई करते हैं ना आपकी जो अमाउंट जो है ना आपको जो दिख रही है पेज के ऊपर वो टेन कम होकर आपको दिखाई जाएगी ठीक है तो पेमेंट के बाद डिस्काउंट अप्लाई नहीं करना है पेमेंट के पहले डिस्काउंट अप्लाई करना है तो यहाँ पर कोड लिख देना है ए एस लाइफ टेन अजिंक्य सोन के एल आई वी वन जीरो A -S -L -I -V -E और उसमें स्पेस नहीं देना है ठीक -E है इट शुड भी कंटिन्यूस एस एल आई वीई वन जीरो कोड पे टैप कर दो ये कोड लिख दो आप उसको डन कर दो तो इमीडिएटली आपका टेन परसेंट कम होकर आपको अमाउंट दिखाई जाएगी फिर आप प्लान को ले लो फोर्टी एट मंथ को और आप पेमेंट कर सकते हैं फिर इसके बाद एंड पेमेंट कैन बी डन इन बोथ थिंग्स मतलब लाइक like पेमेंट आप किसी भी फॉर्मेट uh, में कर सकते हो नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम एंड मोर ओवर आप इसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं मतलब पार्ट्स में पे करने की फैसिलिटी भी है ईएमआई की जैसे तो uh, आपको वो पेमेंट का बटन दबाने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे तो उसमें पेमेंट बाय पार्ट्स आप वो ऑप्शन भी ले सकते हैं ठीक है सो दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देर अगर मतलब एकदम से इतनी अमाउंट आप पे नहीं कर सकते तो आप उसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं दैट्स अप टू यू आपको कैसे पे करना है बट uh, बड़े प्लान के लिए जाओ ताकि आपको सस्ता मिले, राइट सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट एंड कोड को नहीं भूलना uh, कि आपको कोड कौन सा यूज करना है टेन परसेंट डिस्काउंट जरूर ले लें सस्ता बना दे अपने प्लान को ऑल योर टू डोज यूज दिस कोड ठीक है तो कहीं लिख लो और जरूर अप्लाई करो आज ही ताकि आपको सभी फीचर्स एक ही प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिल सके राइट सो so, वीडियो को लाइक करना है चैनल सब्सक्राइब करना है बेल आइकन जरूर दबाना है उतना तो काम कर ही देना ठीक है चलिए देन ओके okay. तो हमारे पास देखो दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है एक होता है प्लस सब्सक्रिप्शन एक होता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ठीक है सो दिस इज द बेसिक प्लान टू गेट स्टार्टेड दिस इज अवर बेसिक प्लान

तो आपके ऊपर है राइट दिस इज वन ऑफ अवर बेसिक प्लांट एंड इसको आइकॉनिक हम लोग क्या बोलते हैं थ्री सिक्सटी डिग्री सपोर्ट तो दिस इज थ्री डिग्री थ्री सिक्सटी डिग्री सपोर्ट मतलब लाइक यू नो आपको एक कंप्लीट सपोर्ट मिल जाता है हमारी तरफ से एक मिनट भी असाइन किया जाता है फॉर योर एंटायर स्टडी प्लस so, में क्या क्या फीचर मिलेंगे देखो प्लस में आपको सबसे पहला जो फीचर मिलेगा दैट इज आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेट पढ़ाएंगे मतलब आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सब्जी सब्जेक्ट का नॉलेज लेट से मिल जाएगा मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि साइंस के लिए दूसरी जगह पे जाओ मैथ्स के लिए ये ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे जाओ यू कैन जस्ट विजिट लेट से हमारे ये प्लेटफॉर्म को आप कभी भी इस प्लेटफॉर्म पे अगर गए सपोज आपको हर एक सब्जेक्ट का नॉलेज सपोज से मतलब हर हर एक हर एक चीज आपको सब्जेक्ट के बारे में इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी यू डोंट हैव टू लेट से स्विच द प्लेटफॉर्म जस्ट बिकॉज आपको साइंस पढ़ना है तो ये प्लेटफॉर्म पे जाना मैथ्स पढ़ना है तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना कोई जरूरत नहीं है हमारे पास प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सभी फीचर्स मिल जाएंगे सेकेंड दैट वी हैव लाइव क्लासेस मतलब इसके अंदर आपको पढ़ाया जाता है इंटरेक्शन का मतलब ये होता है कि टीचर आपको लाइव पढ़ाता है मतलब इट्स नॉट लाइक की रिकॉर्डेड क्लासेस हैं लाइव क्लासेस होती हैं डेली बेसिस पे तो जिसकी वजह से आप आप टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई चीज डिफिकल्ट जा रही है आपको नहीं आ रही है तो यू कैन लेट से आप इंटरक्ट uh, कर सकते हैं टीचर्स के साथ एंड यू कैन गेट यूअर लेट से जो भी प्रॉब्लम्स है कोई टॉपिक्स है समझ के ले सकते हैं इन अ बेटर वे तो इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस का वही फायदा है कि आपको एजुकेटर से प्रॉपरलीट से uh, एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ लेट से आपको एक टॉपिक समझ में आ सकता है मतलब वेदर इट इज अबाउट डाउट या फिर वेदर इट इज अबाउट लेट से एक्सप्लेनेशन पार्ट आपको बहुत ही क्लियर तरीके से आपको समझ में आएगा विद से टीचर्स द्लस सब्सक्रिप्शन अब बात करते हैं live and quizzes. देखो कैसा है ना पढ़ाने का तरीका अलग होता है देखो एक तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स है मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ एजुकेटर आई एम सींग एजुकेटर्स क्यों इसका फायदा क्या है देखो कैसा होता है जब आप लोकल ट्यूशन कुछ लगाते हो तो आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए सपोज एक टीचर होता है राइट साइंस के लिए एक टीचर मैथ्स के लिए एक टीचर तो इसमें वैसा नहीं है इसमें कैसा रहता है कि प्लस में आपको बेस्ट फायदा वही है कि आपको बहुत सारे एजुकेटर मिलते हैं सो बिकॉज ऑफ दैट आपको इसका टेंशन नहीं है मतलब लाइक यू नो बीच में अगर हो सकता है कि आपको किसी टीचर का टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो आप क्या कर सकते हैं आप एजुकेटर को चेंज कर सकते हैं मतलब दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देर क्योंकि हर एक का टीचिंग अच्छा, मेथडोलॉजी मतलब like, you know, अलग अलग रहता है एंड हर एक टीचर वही ट्राई करता है कि भाई अपने स्टूडेंट्स को प्रॉपरली टीच कर सके राइट नॉट जस्ट ऑन आवर प्लेटफॉर्म जस्ट जनरल ट्रेड बोल रहा हूँ मैं टीचर्स का कि वो देख try their best to teach like in their own way. लेकिन अभी कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आप किसी टीचर को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो मतलब एक मेथड क्योंकि जैसे टीचर डिफरेंट होते हैं वैसे स्टूडेंट भी डिफरेंट होते हैं एंड नॉट एवरी स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड एक पर्टिकुलर लैंग्वेज एक अदर टीचर की हो सकता है कि उस एक बेस्ट टीचर है लेकिन उसको किसी कोई एक ऐसा स्टूडेंट है कि जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा वो टीचर का इट माइट हैपन तो यहाँ पर वैसा प्रॉब्लम नहीं है अगर वैसा होता भी है तो हमारे पास साइंस के बहुत सारे टीचर्स है मैथ्स के बहुत सारे टीचर्स है अगर आप एक टीचर को आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन डू वन थिंग टीचर्स uh, uh, के लिए जा सकते हैं कोई दूसरे टीचर को बदल के देख सकते हैं आपको तो सभी टीचर्स का कोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं सो देर इज नो प्रॉब्लम राइट चलिए सो बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ाएंगे इंडिया के एंड मोर ओवर यू विल बी एबल टू है देखो Uh, अब पढ़ाई जब हो जाती है मतलब जब टीचर कोई चीज पढ़ाता है आपको टेस्टिंग पार्ट मतलब जब तक आप उसको याद करके आप ये उसके टेस्ट नहीं दोगे तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि आपका नॉलेज सच में कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है सो दैट्स अ प्रॉब्लम सो वी हैव लाइव टेस्ट लाइक जैसे कि मतलब सब्जेक्टिव टेस्ट ऑब्जेक्टिव टेस्ट वो है हमारे पास क्विजेस भी हैं मतलब लाइक एक कॉम्पिटिशन काइंड ऑफ आपको आपको से टाइम पीरियड दिया जाता है उसमें आपको अगर अगर टॉप लेवल पे अगर हो तो एक ये डेली बेसिस पे हम लोग बहुत सारे उसका टाइम टेबल यू कैन क्विज सेक्शन आपके एप्लीकेशन में क्विज सेक्शन में जा सकते हो एंड यू कैन चेक इट आउट ठीक है आप इसको चेक कर सकते हो किसको से uh, जो क्विज है डेली बेसिस पे कि भाई uh, कौन सा क्विज है सपोज उसमें uh, कौन से टॉपिक uh, के ऊपर है कौन से टाइम पे है कितने क्वेश्चंस है कौन सा लेसन है सब कुछ हम लोग पहले से बता देते हैं तो आप जितने दिन के अंदर बहुत सारे क्विज होते हैं आप जितने आपके हिसाब से इट्स नॉट टू अटेंड एवरी ईच ऑफ कंपल क्विज लेकिन आप अपने हिसाब से जो भी आपको चाहिए यू कैन लेट से उस क्विज को आप अटेंड कर सकते हैं नाउ लेटस गो फॉर द स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ इसके लिए जाते हैं देखो स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ्स का फायदा क्या है कि आपको आ, मतलब जो टीचर जो पढ़ाएंगे पर्टिकुलर टॉपिक तो वो कैसा रहेगा स्ट्रक्चर्ड रहेगा इन द सेंस इट विल फॉलो अ सर्टन सिलेबस एक पर्टन लेट्स से पर्टिकुलर सिलेबस को फॉलो करेंगे मतलब आपका ऐसा नहीं होगा कि भाई बहुत सारे टॉपिक स्किप हो रहे हैं ऐसा नहीं है दर इज अ स्ट्रक्चर्ड कोर्स मतलब आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चन वाइज प्रॉपरली लिया जाता है आपको पढ़ाया जाता है तो दैट इज वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ प्लस स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस हैं ये पूरे एंड ऑल्सो यू गेट द दीडीएफ आपको इसके पीडीएफ भी मिलते हैं दैट इज अनदर फायदा इसका अनदर फायदा वही है कि आपको पीडीएफ भी मिलता है तो मतलब लाइक जो भी टीचर पढ़ाते हैं उनके वीडियो रिकॉर्ड होते रहते हैं तो नीचे सपोल इट से पीडीएफ का ऑप्शन है तो आप वो पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं मतलब जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी दैट दैट बी एन इशू तो तो ये ये है है प्लस प्लस के फीचर्स, right? ये प्लस के फीचर्स फीचर्स राइट एंड व्हाट अबाउट आइकॉनिक आइकॉनिक के फीचर्स क्या हैं देखो आइकॉनिक प्लस से काफी एडवांस्ड है मतलब इसमें पर्सनल मेंटर आपको असाइन किया जाता है तो प्लस के सभी फीचर्स आपको मिल जाएंगे आइकॉनिक में मे ठीक है आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लस के और आइकॉनिक के जो फीचर्स है वो सेम ही है लेकिन उसके अलावा उसके खुद के कुछ फीचर्स है एक्स्ट्रा सबसे पहला क्या पर्सनल मेंटर आपको एक मेंटर असाइन किया जाता है अब पर्सनल मेंटर का फायदा क्या है देखो कैसा होता है ना मेनियर टाइम्स यू डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट टू स्टडी या फिर आपके कुछ इश्यूज होते हैं एकेडमिक की जो आ, मतलब एक रेगुलर टीचर सॉल्व नहीं कर सकता राइट right? मतलब उसके लिए कोई ऐसा चाहिए कि हु इज गोइंग टू गाइड यू थ्रू द वोल योर क्लास एक पूरा जो पूरा आपका क्लास है उसमें आपको गाइड करने वाला कुछ भी चाहिए नाउ फॉर दैट टू हैपन आपको एक पर्सनल मेटॉर एक चाहिए राइट इन शॉर्ट एक पर्सनल मेंटोर चाहिए तो आपके ओवरऑल प्रिपरेशन में काफी मदद हो जाती है आपके प्रॉब्लम्स इश्यूज वो सॉल्व कर लेते हैं आपके मेंटर राइट दैट इज द बेस्ट एडवांटेज यू आर गोइंग टू गेट विद अ पर्सनल मेंटर अब पर्सनल मेंटर का फायदा तो यही है कि भाई आपको ये इश्यूज वगैरह आएंगे नहीं सब सब सबलेट से सॉल्व हो जाएंगे अगर कुछ प्रॉब्लम भी है तो आप आपके मेंटर के साथ बात कर सकते हैं आपके इश्यूज सॉल्व करवा सकते हैं नेक्स्ट थिंग इज अबाउट लाइव डाउट सोल्यूशन अब इसका क्या मतलब होता है देखो लाइव डाउट सोल्यूशन का फायदा क्या है कि आप एक डेडिकेटेड टाइम रहेगा आपके टीचर रहेंगे आप रहेंगे और सपोलेट से आप उनको क्वेश्चंस डायरेक्टली लाइव पूछ सकते हैं मतलब डाउट का मतलब ऐसा नहीं रहता मोस्ट ऑफ द टाइम कैसा रहता रहता है है डाउट का मतलब ये रहता है कि भाई आप एक क्वेश्चन भेजेंगे फिर कभी तो भी उसका आंसर मिलेगा मे बी थ्री मे बी सपोलेट से उस दिन में या फिर मे बी नेक्स्ट डे पे ऐसा कुछ लेकिन हमारे पास आइकॉनिक में डाउट सोल्यूशन इज वेरी डिफरेंट इसके अंदर आइकॉनिक के अंदर आपको लाइव डाउट सोल्यूशन मिलता है इसका मतलब ये है आपने डायरेक्टली आप पूछ सकते हैं मतलब सामने जब टीचर रहेगा आप उसको डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि भाई ये ये डाउट है सबोलेट से सॉल्व कर लो तो ये वाला जो सेशन uh, है इसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है ठीक है एक पर्टिकुलर टाइम आप उसके अंदर आ, आपके टीचर uh, को आप सब से डाउट पूछ सकते हैं ठीक है एक एक पर्टिकुलर सेशन होता है दिन के अंदर लाइक डेडिकेटेड आवर्स एक डेडिकेटेड टाइम उसके अंदर आप लेट से उस सेशन को अटेंड कर सकते हैं और आपके जो भी डाउट्स हैं आप उनको पूछ सकते हैं नेक्स्ट थिंग इज अबाउट पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम अब ये क्या रहता है देखो पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम में व्हाट यू डू इज़ यू आपके जो पेरेंट्स है आपके मेंटर के साथ बात कर सकते हैं अगर कोई इश्यूज हैं कुछ प्रॉब्लम्स है आपका प्रोग्रेस कैसे चल रहा है मतलब इवन पेरेंट्स कैन गेट इन्वॉल्व लेट्स से उनको भी एक ट्रैक करने का एक लेट्स से एक वे मिल जाता है कि भाई बच्चे का प्रोग्रेस कैसे चल रहा है कुछ इश्यूज आ रही है क्या अगर इश्यूज आ रही है तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं सो ऑल दीज थिंग्स पेरेंट कनेक्ट से मतलब वो एक फायदा हो जाता है कि पेरेंट कनेक्ट का मेन लेट्स से इंपॉर्टेंस वही है कि भाई uh, उसमें पेरेंट आपके मेंटर के साथ डायरेक्ट कनेक्शन में रह सकते हैं will help them to keep track on you मतलब आपका पढ़ाई कैसे चल रहा है वगैरह next thing is about study planners now study planners तो काफी इंपोर्टेंट है देखो बिना प्लानर्स के पढ़ाई करना इट्स इज गोइंग टू बी क्वाइट डेंजरस क्योंकि कौन से महीने में आपका कौन सा लेसन हो रहा है कौन सा नहीं हो रहा है दैट इज अगेन आप उसके बारे में सोचते रहोगे राइट तो ये आपके पास एक प्लान होना चाहिए कि भाई आप कौन सा लेसन कब कंप्लीट कर रहे हो दैट इज समथिंग व्हिच इज रियली नीडेड मतलब बहुत ज्यादा नीडेड है आप सबको से ऐसा कर ही नहीं सकते कि भाई बिना प्लान के आप कर रहे हो तो दैट इज मतलब एक होना चाहिए exactly प्रोवाइड किए जाते हैं आपको हेल्प की जाती है इन रिलेशन टू स्टडी प्लानर्स विच इज विच इज अकॉर्डिंग टू मी ग्रेटेस्ट एसेट यू कैन हैव इन यूर एंटायर प्रिपेरेशन बिकॉज विच इज वेरी मच रिक्वाड इन सिलेबस कम्पलीशन इज आपका एक प्लान के हिसाब से पढ़ाई हो रही है सो इफ दैट इज अगर आपका ये हो रहा है मतलब बेस्ट फीचर वही फिर इज ऑल अबाउट लेट मी टेल यू कि उसके रेट्स कैसे कैसे हैं राइट प्लस के रेट्स कैसे हैं और आइकॉनिक के रेट कैसे हैं ओके सो लेट मी जस्ट डिस्कस दैट ओके हम लोग एक नया स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में देखेंगे uh, क्या प्रकार की टेस्ट है क्या है एप्टीट्यूड टेस्ट है एक प्रकार की एंड लेट अस सी कि सब्जेक्ट्स क्या है टॉपिक्स क्या है और उसके रिवॉर्ड क्या है सो so, ये जो एग्जाम होगी तो दैट इज इजेडमी एमर्ज एग्जाम ठीक है एग्जाम का नाम क्या है अनएकेडमी एमर्ज तो इट इज इंडिया लार्जेस्ट फ्री एप्टीट्यूड टेस्ट तो ये इंडिया की सबसे बड़ी फ्री एप्टीट्यूड टेस्ट है एंड दिस इज फॉर क्लास सिक्स टू ट्व तक है ये सिक्स टू ट्वेल्व तक की एग्जाम है एंड इंडिया की सबसे बड़ी एप्टीट्यूड टेस्ट है इसका जो डेट है और टाइम है वो है डेट है ट्वेंटी जून बीस जून को होगी एग्जाम बजे ये से, से दोपहर के बारह बजे से ये पर्टिकुलर एग्जाम होगी तो ये एग्जाम ध्यान में रखें द डेट इज रखेंटी जून ट्वेल्व पी एम दिस इज द फ्री एप्टीट्यूड टेस्ट और इसमें सिक्स टू ट्वेल्थ तक के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो और इस एग्जाम का फॉर्मेट क्या है तो एक बार देख लें

और इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है जल्द से जल्द इस एग्जाम को एनरोल करें ठीक है सो so दैट आपका से जो आ, ये एग्जाम के वजह से अगर आप दे दोगे प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है तीस क्वेश्चन है साठ मिनट के अंदर इतने एक्साइटिंग प्राइजेस आपको मिल सकते हैं is, MacBook, iPhone, iPad, goodies, trophies, is, peace, तो ये चीज जरूर अप्लाई करें द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो उसको आप एनरोल करें, करें और ये बच्चों के लिए कौन से एग्जाम कौन से क्लास के लिए है टू टू अगर आप 6 12 के बीच में है, तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं टेस्ट का डेट है ट्वेंटी जून टाइम है बारह बजे और इस पर्टिकुलर पर्टिकुलर एग्जाम के लिए जरूर एनरोल करें सो थैंक यू सो मच सबसे पहला मैं तुमको एक चीज बता दूं कि वेनएवर लेट से यू आर गोइंग फॉर एनी काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑन एन एकेडमी आप आप से वेबसाइट से कर रहे हैं या फिर से यू आर गोइंग थ्रू द प्लेटफॉर्म लेकिन सभी हमारे जो आ, ये हैं कोर्सेस हैं उसके ऊपर टेन परसेंट डिस्काउंट अवेलेबल है ठीक है तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस टेन परसेंट डिस्काउंट जरूर ले लें बिकॉज ये कैसा है ना आपका फिर जो पूरा प्लान है आपको बहुत सस्ते में पड़ेगा नाउ फॉर टेन परसेंट ऑफ टेन परसेंट डिस्काउंट के लिए आपको क्या करना है ये दोनों पे अवेलेबल है दिस इज अवेलेबल ऑन एन एकेडमी प्लस ऑल्सो एंड दिस इज अवेलेबल ऑन एकेडमी आइकोनिक्सक्रिप्शन ऑल्सो ऑल यू टू

मतलब लाइक यू नो टेन परसेंट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा इमीडिएटली मतलब आपने कोड लिखा ना इमीडिएटली ऊपर के जो आपके पेज पे जो अमाउंट्स है चार्जेस हैं वो टेन परसेंट कट करके आपको दिया जाएगा टेन परसेंट डिस्काउंट के साथ फिर आप पेमेंट कर सकते हैं ठीक है सो क्वाइट एन इजी प्रोसीजर आपको क्या करना है सिर्फ एस लाइव टेन कोड का इस्तेमाल करना है कंटिन्यूशन में लिखना है नो स्पेस विद स्पेस वगैरह नहीं देना है मतलब ए स्पेस एस स्पेस ऐसा नहीं कंटिन्यूएशन में ए एस एल आई वी वन लिखना है ये कोड को और आपको टेन परसेंट डिस्काउंट लेके आप पेमेंट करवा सकते हैं सस्ता बना सकते हैं ओके नाउ नाउ अनदर इज देखो यू कैन डाउनलोड दी ऐप आपको खाली क्या करना है है आप गूगल अगर आपका सिस्टम तो आप लेट्स से गूगल प्ले में जाके डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपका एप्पल वाला है आईओ आप यूज कर रहे हो तो दैट मीन्स यू कैन गो फॉर डाउनलोड ऑन दी एप स्टोर आप एप स्टोर पे भी जा सकते हो दैट मीनस जो इसका स्टोर है एप्पल uh, का एप तो स्टोर पे जा सकते हो या फिर यू कैन गो ऑन गूगल इफ इट इज योर एंड्रॉइड ठीक है एंड्रॉइड का अगर है आपके पास और अगर एप्पल के आपके हैं तो यू कैन डाउनलोड एप्लीकेशन से फ्रॉम एप स्टोर सो इसके अंदर कैसा है अगर आप पेमेंट करने के पहले कुछ फीचर्स देखना चाहते हो तो यू कैन डू वन थिंग आप क्या कर सकते हो जब आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दिया तो बहुत सारे उसमें के जो फीचर्स है वो लॉक्ड होंगे रीजन इज आपने पेमेंट नहीं किया राइट right? लेकिन आप एक काम कर सकते हो जस्ट टू सी द फीचर्स आप उसमें सपोज जब आप उसको इंस्टॉल करोगे अवलेट आप, से आपके मोबाइल uh, में तो आप उसको uh, वो आपको कोड पूछेगा मतलब लाइक टू एक्सेस द फीचर्स बिना पेमेंट के तो द फीचर्स अगर आपको देखने हैं आपको ट्राई करने है फॉर फ्री यू कैन डू वन थिंग ए एस लाइव टेन का कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं सेम कोड का जो डिस्काउंट का कोड है वही कोड आप अनलॉक करने के लिए देख सकते हैं कि फीचर्स कैसे कैसे हैं मतलब आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करो सबसे पहले दैट इज योर फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप इज आप कोड का इस्तेमाल करो मतलब जब वो पूछेगा कि भाई डू यू हैव अ कोड तो आप कोड लिख दो ए एस एल आई वीई वन जीरो और उसके बाद फिर थर्ड स्टेप क्या है यू कैन चेक द फीचर्स आप फीचर चेक कर सकते हैं अगर आपको अच्छे लगते हैं तो फिर देन यू कैन गो फॉर इट राइट ओके okay, तो इतना इतना चीज कर लो ठीक है पहले एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है फिर उसके अंदर कोड लिखना है एस लाइव टेन और फिर उसके फीचर्स का लेट से यू कैन चेक आउट की कौन से कौन से फीचर्स हैं आपको कैसे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं वगैरह वगैरह सो so, ये रही चीजें हमारे एप्लीकेशन के बारे में okay. सो so, uh, कुछ न्यू बैचेस के बारे में बता देता हूँ कि जो न्यूली लॉन्च है एंड आपके बहुत काम में आ सकती है रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन जब आप प्लस को अप्लाई करोगे तो ये बैचेस आपके बहुत काम में आएंगे देखो तो कैसा होता है कि हर मंडे हम लोग एक नया बैच लॉन्च कर देते हैं मतलब फॉर uh, तुम्हारा एक प्रॉपर प्रिपरेशन के लिए वॉट फी डुअर्स कि हम लोग हर मंडे को एक नया बैच लॉन्च कर देते हैं जिसकी वजह से आपको एक बहुत फायदा हो जाता है आपको नए नए टीचर्स मिलते हैं इंट्रैक्शन के लिए देन आपके टॉपिक्स अलग अलग होते हैं और कैसा ना सबका एक डेट होता है कि एक पर्टिकुलर डेट में हम लोग उस चीज को कंप्लीट करने वाले हैं इसकी वजह से और एक फायदा आपको ये होता है कि आपके जो भी लेसन है या फिर आपके जो कोर्सेस हैं आप जिसको अप्लाई कर रहे हो तो उसमें क्या हो जाता है कि आपका एक डेफिनेट पर्टिकुलर टाइम में कंप्लीट हो जाता है वो मतलब जैसे कि मान लो यहाँ पर देख लो यहाँ पर हमारे दो बैचेस हैं मतलब ये पर्टिकुलर टाइम क्या दिया हुआ है जून थर्टी फर्स्ट अगस्त तक मतलब आपका इसका पूरा सिलेबस मैथ्स साइंस एंड इंग्लिश सेवेंथ जून से थर्टी फर्स्ट अगस्त कंप्लीट हो जाएगा तो देखो हार्डली कितने महीने वो जून जुलाई अगस्त मतलब तीन महीने के अंदर आपका पूरा सिलेबस प्रॉपरली कवर करा के दे रहे हैं टीचर्स तो ये आपके बहुत फायदे का है क्योंकि इससे क्या हो जाएगा आपका जो प्रिपरेशन है

आप उन सेशंस को अटेंड कर सकते हैं जिसकी वजह से आपका जो भी कुछ इशू है कुछ प्रॉब्लम है आप उस पर्टिकुलर से लेसन में आप उसको से सॉल्व करवा के ले सकते हो सो न्यू बैचेस टू मास्टर मैथ साइंस एस एस टी इंग्लिश एंड हिंदी फुल सिलेबस तो यहाँ पर हमारे तीन बैचेस हैं तीन बैचेस के बारे में थोड़े से इंफॉर्मेशन दे देता हूँ मैं द फर्स्ट बैच की जो लॉन्च हो रही है फॉर क्लास टेंथ ये मिशन हाफ ईयरली बैच है तो हाफ ईयरली बैच है ये और ये सात जून को शुरू होगी और ये थर्टी फर्स्ट अगस्त तक चलेगी

और हमारे पास कैसा रहता है कि जनरली हर एक सब्जेक्ट के मल्टीपल एजुकेटर्स हैं टीचर्स हैं इसके आप क्या कर सकते हो जो भी सपोज आपको टीचर अच्छा लगता है आप उन टीचर को फॉलो कर सकते हैं अगर मान लो आपको कोई टीचर का कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है कोई दिक्कत नहीं आप दूसरे टीचर को भी ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि कैसा है हर एक का लर्निंग कैपेसिटी अलग होता है मतलब एक हर एक टीचर का एक जैसे टीचिंग स्टाइल अलग होता है वैसे ही सभी बच्चों का भी एक लर्निंग कैपेसिटी होता है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई जो टीचर बहुत ही अच्छा पढ़ा रहा हो तो उसी से सपोलेटर से आपको भी समझ में आ रहा हो तो आपके लेवल पे आपको जो कनेक्ट हो पा रहा है ऐसा एजुकेटर ऐसा टीचर आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं तो हमारे पास बहुत सारे एजुकेटर्स हैं यू कैन ट्राई अप कि आपको सपोलेट से कौन सा सब्जेक्ट के लिए कौन सा टीचर अच्छा लग रहा है आप उन टीचर्स को फॉलो कर सकते हैं उनके प्रोफाइल को और फिर उनके क्लासेस को रेगुलरली अटेंड कर सकते हैं तो ऑल दीज आर प्लस टीचर्स तो आप डेफिनेटली उसका फायदा उठाएं वैसे ही क्लास नाइन्थ के अगर आप स्टूडेंट हो तो क्लास नाइन्थ के लिए एक और एक बैच लॉन्च हो रहा है जिसका नाम है लेट सॉल्व न्यूमेरिकल एंड एनसीआर तो एनसीआर सॉल्व करने के लिए और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए बैच बनाया गया है तो ये मैथ्स एंड साइंस दोनों के लिए है तो इसमें जो मैथ्स है तो वो दो टीचर पढ़ा रहे हैं एक विनय सर है और एक शिवम सर है और जो साइंस है वो मैडम सपना मैडम पढ़ा रही हैं और एक मयांक सर पढ़ा रहे हैं तो साइंस का दैट विल बी टॉट बाई सपना मैडम एंड uh, मयांक सर

ठीक है तो ये सात जून से शुरू होगी और सात जुलाई को खत्म होगी इसमें जो मैथ्स पढ़ा रहे हैं वो संतोष सर है और जो साइंस पढ़ा रहे हैं वो सपना मैडम है तो साइंस विल बी टॉट बाय सपना मैडम एंड मैथ्स विल बी टॉट बाय संतोष सर नाउ इसके अलावा इसके बारे में बता दूं फिर से मैं एक बार रिवाइज जस्ट शॉर्ट सो दैट आपके दिमाग में वो रहे कि भाई कौन सी बैच लॉन्च हो रही है द फर्स्ट बैच मिशन हाफ ईयरली एस एस टी मैथ साइंस इंग्लिश एंड ये होगा सात जून से लेके थर्टी फर्स्ट अगस्त तक

आपके प्रिपरेशन में आपको काफी मदद मिलेगी सो so, सेवन जून से शुरू हो रहा है ये बैचेस इनका डेफिनेटली फायदा उठाएं और आपका प्रिपरेशन एक नेक्स्ट लेवल तक आप लेके जाएं। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे